केवल पब्लिक स्पीकिंग से कितने सारे अपॉर्चुनिटीज के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं किसी भी बंदे के लिए। सर ऐसा देखें तो अगर हम पूरे अगर जॉब्स की बात करें तो 70% ऐसे जॉब्स हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, अगर पब्लिक को हम हटा दें तो स्पीकिंग तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, तो आइदर हम 1-to-1 स्पीकिंग कर रहे हैं या 1-to-many स्पीकिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले सेम होंगे सर। फॉर एग्जाम्पल कि कनेक्ट अगर हमको करना है तो उसके बाद कन्वे करना है, उसके बाद कन्विंस करना है, तो अगर एक पर्सन है तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा और 1-to-1000 है तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस इज द बेसिक फॉर्मूला बिहाइंड एनी पब्लिक स्पीकिंग, और ये मेनली 70-80% जितने भी जॉब्स हैं उनको कवर करता है, और मेनली इसमें आते हैं हमारे मार्केटिंग और सेल्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आपको एक पैकेज उनको देना है तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग में ही काउंट होता है। और अगर आप एक पानी बताशे वाले के पास जाएंगे तो वो जो आपको पानी बताशे खिलाते खिलाते अगर वो एक एक्स्ट्रा पूरी आपको दे रहा है और आपसे बातें कर रहा है वो भी पब्लिक स्पीकिंग में काउंट होगा। आप किसी बाबर शॉप पे जाएंगे वो भी आपसे पब्लिक स्पीकिंग करेगा, आपको बोर नहीं होने देगा उस हाफ एन आवर और वन आवर के उसकी सर्विस पार्ट में। तो इन ईच एंड एवरी प्लेस पब्लिक स्पीकिंग इज़ यूजिंग। और हम यहाँ पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट देखा है कि आज अगर बात करें जितने भी इलेक्शन और राजनीतिक पार्टी है वो पब्लिक स्पीकिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो आज इलेक्शन जीते हैं। एग्जैक्टली।